नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग बलिया, अपना दल यस के पदाधिकारीगण कोरोना वायरस पर अच्छी पहल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में अपना दल यस के बिट्टू अशोक गोपाल ने कोरोना वायरस पर अच्छी पहल की है। कोरोना वायरस से 21 दिन लॉकडाउन होने पर अच्छी पहल की जा रही, गरीबों को लंच पैकेट बांट रहे हैं। गोपाल जी सिंदुरिया, व्यापार प्रकोष्ठ का नगर अध्यक्ष हूँ अपना दल यस बलिया, और पटरी दुकानदार समिति का उप कोषाध्यक्ष हूँ बलिया, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का युवा संगठन मंत्री हूँ। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा कोरोना वायरस पर सुनने में जुड़े विभाग से किस हजार कर दी जा रहा है? जैसे नगर पालिका क्षेत्र में 2-3 महीना पहले सर्वे हुआ था, सर्वे में जैसे जिस व्यक्ति का अंगूठा लगा था, आधार लगा था, आधार नंबर फोटो दुकान से ही फोटो लिया गया था, उस व्यक्ति की सूची में नाम आई है 1213 आदमी का। पथ विक्रेता में लिस्ट में नाम आया है, उसमें जैसे सरकार मदद करनी चाहती है पथ विक्रेताओं को, तो नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी पथ विक्रेता हैं उनको मदद के रूप में जैसे अकाउंट में पैसा जा सकता है, अच्छा राशन मिल सकता है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो जितने भी नगर पालिका क्षेत्र हैं, जितने भी पथ विक्रेता हैं, उनके डेली कमाने और खाने वाले व्यक्ति हैं, उनको मदद करें। मदद के रूप में जैसे सरकार सूची विदा की है, उस सूची से हम लोग मिलान करके हर एक पटरी दुकानदारों को सूचित कर रहे हैं कि अपना आधार कार्ड का फोटो कापी, बैंक कार्ड का, पासबुक का फोटो कापी, वो बिट्टू पटेल जी के आवास पर जमा हो रहा है। ये हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से कोविड में महामारी चल रही है और 21 दिन का लॉकडाउन भी किया गया है, इसका आपका क्या संदेश है, आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है? जैसे नगर के लिए तो हम तो सभी नगरवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन है उसका पालन करें, उचित सामान जो जरूरतमंद है उसको घर से बाहर निकल कर ले सकते हैं, और बाकी समय जैसे आप अपना घर में ही बिताएं। जी, रोजमर्रा की जिंदगी आप अच्छी तरह जानते हैं भली भांति, सुबह अगर दिन भर कमाकर तभी शाम को रोटी जाती है, किसी स्थिति में उनके दैनिक स्थिति में इसका क्या पहल की जरिया क्या उनके लिए संदेश भी है, और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो डेली कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं उनको मदद मिले, ताकि वो भुखमरी के शिकार ना हो, यही सरकार से निवेदन और रिक्वेस्ट है। मैं आकाश कुमार पटेल, अपना दल यस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष और व्यापार मंडल का जिला युवा अध्यक्ष। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, पटरी दुकानदार जी जो रोजमर्रा जिंदगी जीते हैं, ठेला पर लगा कर सुबह, कोई कोई किसी की स्थिति ये भी होती है अगर उस दिन भर ठेला में सब्जी लगाता है चाहे जो भी लगाता हो, तभी शाम की रोटी जाती है, लॉकडाउन की स्थिति में कुछ लोग भुखमरी के कगार पर हो गई, इन पर आपकी तरफ क्या पहल की जा रही है, क्या आपका संदेश है, दो चीज बताइए। पहले तो मैं बता दूं कि पटरी दुकानदार समिति का मैं कोषाध्यक्ष हूँ, पटरी व्यवसायी जितने भी जनपद में हैं, हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो कि इन लोगों का सर्वे कराया था, जिसमें माननीय योगी जी सरकार द्वारा इन लोगों का सर्वे के लिए आया हुआ था, जो कि सर्वे बहुत अच्छे तरीके से हुआ, काफ़ी सर्वे भी हो चुका है, जिसमें 1213 लोगों का जो है कि नाम भी आया हुआ है। हम लोगों को माननीय डूडा विभाग से लिस्ट मिला हुआ है, जो कि इन लोगों को बैंक पासबुक और आधार कार्ड के द्वारा जो है कि इनके सरकार द्वारा खाते में पैसा जाएगा, और उसी कार्य पर हम लोग पहल कर रहे हैं कि जो भी दुकानदार हैं उनको फ़ोन कर बुलाया जा रहा है, और उनसे आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर और ये विभाग को सपोर्ट किया जा रहा है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, नगर में शहर के में तमाम ऐसे मानसिक विकसित व्यक्ति जो कुछ भी मांगते हैं, कुछ मानसिक संतुलन खराब है, ऐसे लोग को भोजन के लिए अब तो कुछ मांगेंगे ना, मुझे भोजन दीजिए जी, या तो उनके लिए क्या आपको पहल की जा रही है, उनके लिए क्या आप संदेश है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, तीन से और सवाल आपका। देखिए, सरकार तो इन सब पे बहुत कड़ा व्यवस्था किया है और लगा भी है कि सरकार जो कि हर तरीके से उनको मदद पहुंचाने के लिए सरकार लगी हुई है, और तमाम संस्थाएं जो हैं जो मानव हित में काम करते हैं, चाहे आम पब्लिक हित में काम करते हैं, वो लगे हुए हैं लोग,
डेली के डेली जो है कि अपने तरफ से बनाकर संस्था खाना भोजन करा रही है, जहां भी देखिए वहां पर जा जाकर करा रही है, लॉकडाउन का भी पालन कर रही है, दूरी बनाकर डिस्टेंस बनाकर जो है कि उनको भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है कि जो कि हर पात्रों को दिया जा रहा है हर जगह जगह। मैं राहुल कुमार गुप्ता और अशोक बलिया जनपद का निवासी हूँ और युवा जिलाध्यक्ष अपना दल एस पट्टी दुकानदार समिति का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष और माँ वैष्णो शिक्षण सेवा ट्रस्ट का एनजीओ का जो है कि संरक्षक। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कोरोना वायरस जिससे विश्व महामारी चल रही है, सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन भी कर दिया गया है, तमाम सरकार के योजना आदेश आया, इस पर भी आपका राय जानना चाहते हैं और संदेश भी जानना चाहते हैं और क्या पहल कर रहे हैं ये भी जानना चाहते हैं। महोदय, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बलिया जनपद है, ये पिछड़ा इलाका है, यहाँ सामान्य श्रेणी से जीने वालों की संख्या कम है, पिछड़े वर्ग की संख्या ज़्यादा है, जो रोज काम करके और रोज दिहाड़ी से जो उनकी मजदूरी आती है उनसे भरण पोषण घरों का करते हैं। इसमें इस लॉकडाउन से सबसे विकट परिस्थिति है तो उन पथ विक्रेताओं, वो ग्रामीण जो कि हमारे मनरेगा में काम करने वाले हैं, जो हमारे घरों में जो है कि जिनके पास निर्माण का काम करते हैं, जो भी मजदूरी दैनिक मजदूरी करता है, जो 200-300 रुपया उसको मिलता है, वो अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, उससे शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। सरकार की घोषणा द्वारा, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा घोषणा किया गया है कि हर एक जो हमारे पट्टी दुकानदार हैं, जो भी हमारे मजदूर हैं लेबर एक्ट में जिनका पंजीकरण है, उनके खाते में 1,000 रुपया और उनको राशन वितरण कराया जाएगा। उसका पालन बलिया जनपद के जिलाधिकारी महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे जो मजदूर हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था क्या हो रही है। मैं एक निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि जो राशन वितरण होता है उसको जो गेहूँ मिलता है वो उनको ले जाके, अभी जैसे चक्की, वो उनका कहना है, आरोप है लोगों का कि मैं कहाँ पिसवाऊँगा, इस बंदी के समय में आटा चक्कियाँ बंद हैं। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से यह चाहूँगा कि जो भी आटा चक्की जो है, जो मान लीजिए कि जिनके पास भी राशन खाद्य सामग्री जाएगी वो पिसवाएगा तब खाएगा तो उसकी जीविका चलेगी। जिन लोगों के पास राशन उपलब्ध नहीं है, सरकार द्वारा आपदा फंड में अगर कोई राशन वितरण की व्यवस्था अगर माननीय जिलाधिकारी महोदय ने किया है तो तत्काल ऐसे लोगों को चिन्हित करके नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभाओं में, बहुत दयनीय स्थिति है, जो रोज कमाने खाने वाले हजारों लोग, हम लोगों से फोन करके राय लेते रहते हैं कि कहीं से कुछ हमें मदद मिल जाए। मैं माननीय जिलाधिकारी और एसपी महोदय से, जो बलिया के सबसे बड़े पद पे हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस आपदा की घड़ी में आप सभी का सहयोग करें, जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं उनको मूलभूत उन गरीबों तक समुचित पहुंचाया जाए, तब जाके हम इस आपदा से लड़ सकते हैं और जो है कि लॉकडाउन का हम पालन कर सकते हैं। जैसे सरकार के आदेशानुसार जिलाधिकारी का अनुसार राशन बिक्री हो रहा है और ये सरकार का प्रतिदिन ये आदेश आ रहा है भाई अब दूरी बढ़ा कर रही है, ये अभी देखने में आया आपकी यहाँ काशी में, वहाँ इसका कोई पालन नहीं कर रहा है। नहीं, मैं माननीय हम लोगों ने जिला पूर्ति अधिकारी से मिला और उनकी जो उन्होंने जो 11 बिंदु पे उन्होंने अपना सारे कोटेदारों को दिया हुआ है दिशा निर्देश कि हर कोटेदार जो है कि 100 से 150 प्रत्येक दिन, अगर किसी के पास 500 कार्ड धारक हैं या 700 हैं तो उनको प्रत्येक दिन 100 से 150 लोग को ही देंगे और उसमें 1 से 2 मीटर की दूरी बना के जो चूने का गोल हमारे जो हमारा दिशा निर्देश है जिससे हमारी जीवन की सुरक्षा की बात है, हम ग्रामवासियों से जिले वासियों से अपील करना चाहेंगे कि आप जितने लोगों से दूरी बना के रखेंगे, संपर्क में नहीं आएंगे, इस रोग को हम फैलने नहीं देंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं वो आपको मिलेगी। धैर्य बनाए रखें, राशन की दुकान पर जाएँ, उनके भी जो नियम है राशन कोटेदार द्वारा, शहर के लोगों हम लोग द्वारा निरंतर जो है कि आज 100 से 150 लोगों को
अपने समाज अपने मित्रों द्वारा भोजन हम लोग बनवा रहे हैं, और जहाँ भी कहीं देखा जा रहा है कि इनको आवश्यकता है, जिनको किसी को आटा चावल की ज़रूरत है वो फ़ोन करता है तत्काल। हम लोग मानवता हर व्यक्ति के अंदर है, जिसके पास माता लक्ष्मी ने धन दिया है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो लोग खुल के आएँ, प्रशासन उनके साथ हैं, और इस लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अगल बगल के 5 से 10 लोगों को, अगर प्रत्येक व्यक्ति ये ठान ले कि हमारे बगल के 5-10 लोगों को, जो हमारे यहाँ हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बगल में कौन गरीब है, उनकी मदद कर देंगे तो पूरे देश में लॉकडाउन का पालन हो जाएगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।